Hey everybody, welcome back to our channel Rajveer Sisodia. आज हम बात करेंगे कौन सा कैमरा, लेंस और माइक सबसे अच्छा है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। मैं अपने फिटनेस चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ बनाता हूँ, आप लोगों ने अगर मेरा फिटनेस चैनल नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राजवीर फिटनेस सीरीज नाम से मेरा फिटनेस चैनल है। जिसको भी फिटनेस रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं। तो गाइस बात करेंगे हमारे मेरा जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, जो मैं माइक यूज़ करता हूँ। तो गाइस पहले मैं जब वीडियोज़ बनाता था तो मैं क्या देखता था कि वो जो वायर होती है फ़ोन में या हम माइक में जब वायर लगाते हैं, वायर वाली जो माइक होती है, तो मैं जब वर्कआउट वीडियोस मेरे बनाता था तो मैं अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर पाता था क्योंकि वो वायर पीछे पीछे घूमती थी। या फिर मैंने ट्राई किया मेरे कैमरे के साथ एक वो जो ऊपर हम माइक लगाते हैं जो सारे यूट्यूबर्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब कैमरामैन थोड़ी दूर से वीडियो बनाता तो मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। तो ये बहुत दिनों तक से मेरे साथ प्रॉब्लम आई और मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मुझे मेरी हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो मुझे ऐसे था कि कोई चीज़ मुझे ऐसी चाहिए कि मैं कितनी भी दूर से वीडियो बनाऊँ मेरी आवाज़ वहाँ तक क्लियर जाए और मेरे आसपास कोई वायर मुझे नहीं दिखनी चाहिए। मुझे बहुत इरिटेशन होती थी वायर से। तो अभी आप देख सकते हो कितनी भी दूर मेरा कैमरामैन मुझसे चला जाए, मेरे माइक से बंदा शॉप से बाहर दो रोड क्रॉस करके जा चुका है। तो ये जो मेरा माइक है ये इतने काम की चीज़ है, आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है। तो इसमें कोई ना तो कोई वायर है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आवाज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर आ सकती है, जिससे कि आप प्रैंक वीडियोस बना सकते हो। सपोज करो आप यहाँ प्रैंक करें और बंदा वहाँ जाके छुप जाए तो आपके प्रैंक वीडियोस बन सकते हैं, आपके वर्कआउट वीडियोस बन सकते हैं, आप व्लॉग्स बना सकते हो, आप कोई भी वर्कआउट वीडियो बना सकते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है ये क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर कि सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, आपकी आवाज़ इतनी क्लियर आती है, आपका ये जो बैकग्राउंड है ये ब्लर आता है। तो बैकग्राउंड ब्लर होने से एक बहुत प्रोफेशनल लुक आती है वीडियोज़ में। तो मैं गाइज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी इंसान काम करे बिल्कुल परफेक्ट करे, मुझे बहुत मज़ा आता है लोगों को हेल्प करने में। तो बहुत अच्छा माइक, बहुत अच्छा कैमरा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ। सो गाइज ये रहा मेरा औजार, ये है मेरा सोनी अल्फा 6000, जिसमें कि मैं अपने वर्कआउट वीडियोस बनाता हूँ या मेरे चैनल के सारे वीडियोस बनाता हूँ, जिससे कि और आधे लोग पूछते हैं कि सर बैकग्राउंड आपका कैसे ब्लर होता है। तो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हमारे पास है ये हमारा 50mm लेंस। ये कैमरे के साथ जो लेंस आया था वो ये आया था, जिससे कि आप थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर सकते हो, लेकिन मुझे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए था तो मैंने इसमें लगाया 50mm लेंस। ये आप लगा सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक चाहिए आपके कैमराज में या आपके वीडियोस में। दूसरा ये पूछा जाता है कि सर आप माइक कौन सा यूज़ करते हो। सर तो सोनी का मेरा जो कैमरा है इसके साथ मैं सोनी का ही माइक यूज़ करता हूँ, ब्लूटूथ माइक है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि बहुत दूर से भी इसकी आवाज़ बहुत क्लियर आती है, तो इसको हमें अपने माउंट में यहाँ पे लगाना होता है, दैट्स इट। ये हमारा कैमरा के ऊपर माइक रिसीवर माउंट हो गया, ब्लूटूथ रिसीवर है। इसके अंदर आप जो भी आपका कैमरामैन होगा उसको आप हेडफोन दे सकते हैं, यहाँ पर इसमें हेडफोन लग जाता है। एंड आपका जो कैमरामैन है वो आपकी वॉइस सुन सकता है, जो भी आप वीडियो में जा रही है आपकी वॉइस सुन सकता है, ताकि आपकी वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। कितनी बार क्या होता है कि हम वीडियो बना चुके हैं उसके बाद जब हम वीडियो निकाल के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी वॉइस इसमें क्लियर नहीं थी या इसमें शोर आ रहा था, तो उसमें बहुत मेहनत वेस्ट हो जाती है, दोबारा से डबिंग करो या दोबारा से वीडियो डालो। तो यहाँ पर आपका कैमरामैन आपको हैंड टू हैंड बता देगा कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो आप दोबारा से ये लाइन फिर से बोल दीजिए। दूसरा हमारा आता है माइक। तो माइक है हमारा ये, इसके अंदर ऑन ऑफ का बटन है, इसको आप ऑन करेंगे, ब्लू लाइट जल गई, इसको आप अपने कॉलर में लगाएंगे। तो और ये आपका रिसीवर हो गया, आपकी इतनी क्लियर वॉइस ये लेता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो सारे लोग बहुत इंप्रेस होते हैं मेरे वीडियोस से कि सर आपकी वॉइस बहुत क्लियर होती है, आपका बैकग्राउंड बहुत ब्लर अच्छा सिनेमैटिक दिखता है थोड़ा सा। तो बहुत सस्ते में जुगाड़ हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। 40,000 का कैमरा था, 18,000 का ही लेंस है, किसी भी कैमरे में फिट हो सकता है, अगर आप एक बार लेंगे तो जिंदगी भर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आप लोगों ने देखा कैमरा कैसा यूज़ कर रहा हूँ किस चीज़ से। तो गाइज अभी आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड ब्लर, वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। तो यही है मेरा छोटा सा कैमरा, छोटा सा लेंस और उसके साथ दो पीस में ये जो माइक है, ये सोनी मैंने सीपी में लिया था, किसी भी सोनी स्टोर से आपको मिल जाएगा। आपने बोला है हमें ब्लूटूथ माइक चाहिए सोनी का, तो वो आपको मिल जाएगा किसी भी स्टोर से एक। सो गाइज यही है मेरा कैमरा, मेरा जो बैकग्राउंड ब्लर होता है या क्लियर वॉइस आती है, बहुत दूर से वॉइस आती है, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ।
ये मैटर नहीं करता कि कैमरा कितने शोर में, अगर ये कैमरा रोड पे चला जाए और रोड पर जितना भी शोर है ये मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा कि मेरे आसपास कितना शोर है। तो उसमें बहुत अच्छे से वीडियोस बन पाती हैं, बहुत अच्छे से मैं बना पाता हूँ। सो गाइज यही है, आई होप आप लोगों को अच्छी हेल्प मिली होगी। आप अगर प्लान कर रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने का या कोई भी वीडियो बनाने का जिसमें कि आपको आवाज़ की ज़रूरत है, तो दिस कैमरा इज़ बेस्ट फॉर यू। सो गाइज आई होप हेल्प मिली होगी, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय।